नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे पास यहाँ पे जो ये वॉशर की तरफ से जो टायर इन्फ्लेटर आता है वो है। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये जो टायर इन्फ्लेटर है किस तरह का है और कैसा ये कैसी इसकी क्वालिटी है और कितनी जल्दी ये टायर को इन्फ्लेट कर देता है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इन्फ्लेटर के जो बॉक्स की बात कर ले, तो बॉक्स में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका डिजाइन है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे टायर इन्फ्लेटर इसका जो मॉडल नंबर है वो I6 है और इसको आप एज ए पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं। साथ में ये कॉर्डलेस भी है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा बॉक्स अभी मेरे साथ में है, आपको खोल के दिखाऊंगा। इन्फ्लेटर है इसके अंदर, यहाँ पे हमें 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो टोटल मिला के ये 4000 mAh का हमें पावर बैकअप देता है। यहाँ पे इसको 1+1 ईयर की मतलब ऑलमोस्ट 2 साल की यहाँ पे वारंटी मिल जाती है। 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ पे इस मॉडल के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर साइड देखें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ये 150 PSI तक सपोर्ट करता है। इसमें प्रीसेट प्रेशर भी होते हैं, मतलब अलग अलग मोड के हिसाब से पहले से इसमें प्रेशर कितना होना चाहिए वो दिया हुआ है। ऑटो कट ऑफ है, जैसे ही आप यहाँ पे इसकी लिमिट तक पहुंच जाते हैं ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। यहाँ पे इमरजेंसी लाइट मतलब एक LED लाइट भी दी हुई है जो इमरजेंसी के अंदर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2000 mAh की 2 बैटरीज दी हुई है और इमरजेंसी में इसमें 12 वोल्ट के जो सिगरेट लाइटर के थ्रू आप यहाँ पे इसको चार्ज भी कर सकते हैं और कार के अंदर सिगरेट लाइटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कार को इनकार में यूज कर सकते हैं, मोटरबाइक में यूज कर सकते हैं, बाइसाइकिल में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो टायर है उनमें यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो टॉयज आते हैं, बास्केटबॉल आती है, फुटबॉल आती है, इन सबको भी इन्फ्लेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसके स्मार्ट फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं, साथ में इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो निडल वाल्व एडेप्टर मिलता है, एक यहाँ पे एक्सटेंशन नोजल मिलती है, एक रिप्लेसमेंट फ्यूज मिलता है, 12 वोल्ट की कोड मिलती है, एक कैरी बैग मिलता है, यहाँ पे टाइप सी कोड मिलती है, एक इन्फ्लेटर नोजल मिलती है और एक पिस्टा वाल्व मिलता है जो कि साइकिल में काम आता है। जल्दी से इसको ओपन करके देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी के लिए यहाँ पे एक आपको कार्ड दिया जाता है 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। साथ में यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक होस पाइप मिल जाता है, इसकी लेंथ ठीक ठाक है क्योंकि आपको इसको डायरेक्ट यूज करना है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए USB केबल मिल जाती है जो कि टाइप सी है। यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के जो नोजल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये साइकिल वाला नोजल मिल जाता है, फुटबॉल वाला नोजल मिल जाता है, एक यहाँ पे ये फ्यूज मिल जाता है एक्स्ट्रा और कुछ डिफरेंट टाइप का एडाप्टर्स मिल जाते हैं, स्प्रिंग मिल जाती है। और ये है सिगरेट लाइटर का जो कि कार के अंदर यूज में आने वाला है और इसकी जो लेंथ है वो काफी सफिशियंट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है ये जो पोर्टेबल मिनी टायर इन्फ्लेटर है वो वॉशर की तरफ से आने वाला है। बिल्कुल स्लिक डिजाइन है एकदम टेक्सचर, और आप देख सकते हैं इस समय ये मेरे पूरे हथेली के अंदर आ रहा है। वजन इसका ठीक ठाक है, मतलब होगा अराउंड 300 से 400 ग्राम के आसपास होगा, 300 से 400 ग्राम होगा। यहाँ पे इसके पोर्ट्स दिए हुए हैं, पोर्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ये हवा निकलने के लिए दिया हुआ है जहाँ पे की ये जो होज है यहाँ पे इस तरह से फिट कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक इमरजेंसी लाइट दी हुई है, अगर मैं जलाऊं तो देखिए काफी ब्राइट है। एक LED लाइट दी हुई है इमरजेंसी लाइट के रूप में और एक 5-10 वॉट का यहाँ पे इनपुट आप पावर इनपुट दे सकते हैं। यहाँ आउटपुट पावर बैंक के रूप में इसको पावर आउट यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखने को मिलता है 12 वोल्ट का जो DC सॉकेट है जिसमें कि जो सिगरेट लाइटर वाला है इसका ये दूसरा एंड यहाँ पे लगेगा, तो ये पावर सोर्स के रूप में यूज। यहाँ मोड की बात करें तो यहाँ पे सामने की तरफ बटन दिए हुए हैं, ये मोड बटन दिया हुआ है, ये PSI को कम ज्यादा करने के लिए बटन दिया हुआ है, ये प्ले पॉज का जो बटन है ये स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए, ये इमरजेंसी लाइट का जो स्विच दिया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्विच वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये 36 जो है कार के लिए 36 PSI का यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेट आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, प्लस माइनस कि हमें कितना करना है और फिर जैसे हमें स्टार्ट करना हो तो इसको दबा दें। इस तरह से ये आवाज करता है। यहाँ पे देखें ये इन दिया हुआ अंदर से ये हवा मतलब लेता है और इसको मैंने टेस्ट करके देखा था, इसकी स्पीड काफी बढ़िया है, मतलब जल्दी ही भर देता है। एक फ्लैट टायर को ये लगभग 7 से लेके 8 मिनट के अंदर, कार के टायर को ऑलमोस्ट 10 मिनट से अंडर 10 मिनट के अंदर उसको पूरे को इन्फ्लेट कर देता है। बाइक का टायर तो ये काफी स्पीड से करता है, ये लगभग 5 PSI, तो ऑलमोस्ट 30 सेकंड के अंदर इसने 5 PSI का प्रेशर बाइक के टायर में भर दिया। यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये साइकिल का मोड है, यहाँ पे ये मोटर बाइक का मोड है और यहाँ पे ये फुटबॉल और बाकी जो इन्फ्लेटर मतलब बेड वगैरह ये आते हैं। यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर है, तो यहाँ पे अगर जैसे मेरे को इसको PSI से बाहर में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं प्रेस करके रखूंगा तो ये किलो पास्कल में आ गई, तो ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई और इसको प्रेस करने में बार में आ गई। तो ये ऊपर वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आप इसकी यूनिट है वो चेंज कर सकते हैं। काफी हैंडी इसका डिजाइन है, काफी हैंडी ये है। चलिए इसको फिर
यूज करके देखते हैं और एक टायर में हवा भर के देखते हैं। तो यहाँ पे जो अभी प्रेशर है वो दिखा रहा है 13.5। तो हम इसको मतलब पहले मोड चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला है जो ये। तो यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट का टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, इसके थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये चार्ज होना शुरू हो गया है, ये देखो रेड लाइट आ गई है। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी ये यहाँ पे फुल चार्ज हो गया है और यहाँ पे ग्रीन लाइट यहाँ पे शो करने लग गई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अपन 10 वोल्ट का जो आउटपुट मिलता है, इसके थ्रू इमरजेंसी के अंदर अपने मोबाइल वगैरह या जो और भी कोई आइटम है उसको यूएसबी केबल के थ्रू यहाँ पे हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये 4000 mAh का पावर बैंक के रूप में काम करता है। तो इमरजेंसी के अंदर ये आपके जो फ़ोन है उसको मरते मरते को कुछ पावर तो दे ही जाएगा। और इसको यूज़ करने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग 25 से 30 मिनट तक ये टायर को इन्फ्लेट कर लेता है अपने बैटरी के सपोर्ट पे। तो ऑलमोस्ट 2 टायर आप इससे, पूरे फ्लैट 2 टायरों को भी आप इससे रिवाइव कर सकते हैं विद इसकी बैटरी की सहायता से। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 टायर कार के, तो मतलब 1 टायर के लिए तो ये 100% काम में आ ही जाएगा अगर इसकी बैटरी फुल है तो। नहीं तो फिर आप ये जो सिगरेट लाइटर है ये लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और सभी जगह अवेलेबल है। और जो इसकी प्राइस रेंज है वो लगभग 2100 रुपये से लेकर 2500 रुपये के अंदर डिफरेंट ऑफर्स वगैरह के अंदर मिल जाता है। तो ये था वॉशर की तरफ से आने वाला टायर इन्फ्लेटर i6। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।